तो गाइज आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ आया हूँ, ये देखो QST, चलिए अंदर चलते हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका अपना बनी, और आप लोग तो जानते ही हैं सेवेंजर्स। तो अब से ठीक एक महीना पहले मैं यहीं बैठा था, क्योंकि मैं आया था अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए QST में। आज ठीक एक महीने बाद मैं वापस यहाँ बैठा हूँ। मेरे ट्रांसप्लांट को एक महीना हो चुके हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं ये शेडिंग फेस पे जा चुका है मेरा ट्रांसप्लांट। आज मेरा आना हुआ है यहाँ, मेरे एक महीने बाद जो फर्स्ट PRP है, मैं PRP के लिए यहाँ आया हूँ। और अब से एक महीना पहले जब मैं यहाँ से गया था गाड़ी में जब मैं बैठा था वहाँ से लेके, और उस एक बीच में एक महीने का जो मेरा सफ़र रहा ट्रांसप्लांट का, वो बहुत ही अच्छा रहा। मुझे कोई भी ऐसी मतलब कोई भी मुझे कोई परेशानी नहीं लगी ट्रांसप्लांट के बाद में, कि जैसे कोई मतलब कोई आफ्टर पेन हो या ऐसा कुछ भी हो, ऐसा कुछ नहीं था। एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अब मैं वेट कर रहा हूँ नए बाल उगने का। तो ये सारा जो भी प्रोसीजर था ये हुआ था मेरा QST में। आपने मेरे इंस्टाग्राम पर भी वीडियो देखी होगी, और QST के यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम चैनल पे भी आपने वीडियोस देखे होंगे। तो आज मैं आया हूँ यहाँ, फर्स्ट PRP नहीं कहूँगा मैं इसको, मैं कहूँगा इसको दूसरी PRP, क्योंकि पहली PRP मेरी ट्रांसप्लांट से पहले ही हुई थी। जब मेरी सर्जरी स्टार्ट होने वाली थी उससे पहले मेरी PRP हुई थी, तो वो भी एक्सपीरियंस अच्छा था। PRP भी कोई इतना बड़ा हुआ नहीं है, मैंने लोगों के मुंह से सुना था कि PRP में इतनी सारी सुई लगती हैं सर में, और ये होता है वो होता है, बहुत पेन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं दूसरी बार आया हूँ PRP कराने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, ट्रांसप्लांट के बाद भी, और अगर ट्रांसप्लांट आपने नहीं भी कराया है और आपकी हेयर ग्रोथ अगर कमज़ोर हो रही है, आपका हेयर फॉल हो रहा है ज़्यादा, तो भी आप PRP का ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होती, कोई ऐसा हुआ नहीं है, कोई दर्द नहीं होता, बहुत ना के बराबर जैसे चीटी काटती है ऐसा बस फील होता है, और कुछ भी नहीं होता। बाकी QST के साथ में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। तो मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा, ये QST की जो टीम है इनके साथ में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। सब बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से सब ने ट्रीट किया, सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी थी। और सर्जरी के बाद में मैं आपको पेन का बताता हूँ, तो देखो ऐसा कोई सर्जरी के बाद भी ना मुझे सर्जरी के बाद में इतना सा भी मुझे नहीं पेन हुआ, मैं सच बताऊं। देखो ड्यूरिंग सर्जरी कोई पेन नहीं, सर्जरी के बाद भी कोई पेन नहीं हुआ। थोड़ा सा जब मैं लेटता था पिलो पे सर रख के, तो हल्की फुल्की सी जलन महसूस होती थी, वो भी जब मैंने इस पे ट्यूब वगैरह जो यहाँ से मुझे मिली थी दवाई वो मैंने लगाई, वो एक दो दिन में वो भी ठीक हो गया। कोई भी ऐसा पेन का यार नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, इतना नहीं कुछ भी होता पेन वगैरह, बस थोड़ा बहुत वही है जो आपको सर्जरी के टाइम पे जब आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो वही चेटी काटने के बराबर वाला जो पेन होता है वही पेन होता है, और कोई भी पेन नहीं होता। तो नई ग्रोथ आएगी उसे देख के आपको भी मज़ा आएगा, आप भी बने रहना, आपको भी दिखाएंगे साथ ही साथ। और मैं बोलूँगा अगर आप ट्रांसप्लांट के लिए सोच रहे हैं तो एक बार विजिट करें QST। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.